हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट। जैसा कि आप सभी मुझे जानते हैं, मेरा नाम है अश्विन शुक्ला और मैं अन अकेडमी के लीड गेट यूट्यूब चैनल पे अभी तक आप लोगों को स्ट्रक्चरल एनालिसिस पढ़ाता आया हूँ। हमने स्ट्रक्चरल एनालिसिस के अभी तक बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अभी कुछ दिनों से मैं आप लोगों को स्ट्रक्चरल एनालिसिस की क्लासेस नहीं ले पा रहा था, बट 7 मई से मैं आप लोगों के लिए स्ट्रक्चरल एनालिसिस वापस से शुरू कर रहा हूँ, जिसमें हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है मैट्रिक्स एनालिसिस। ठीक है, मैंने मैट्रिक्स एनालिसिस टॉपिक को इसलिए चूज करा है क्योंकि जो हमारी अपकमिंग एग्जाम HPCL, जिसके लिए बहुत से बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके सिलेबस में ये टॉपिक भी है। मैं पहले स्ट्रेन एनर्जी चालू करने वाला था, बट स्ट्रेन एनर्जी HPCL के सिलेबस में नहीं है, इसलिए स्टूडेंट्स के डिमांड के कारण आई एम गोइंग टू स्टार्ट मैट्रिक्स मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस फ्रॉम टुमारो 2:30 PM। ओके, तो कल 2:30 PM से हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा जिसका नाम है मैट्रिक्स मेथड। बट स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं कि मैट्रिक्स मेथड को स्टार्ट करने के पहले हम लोग एक चीज को क्लियर कर लें, जो कि मैं आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को जितना छोटा हो सके उतना छोटा रखूं, ताकि आप लोगों को जो पॉइंट की बात है वो चीज समझ में आ जाए। ठीक है, सो बेसिकली जो मैं आप लोगों को यहां पर समझाना चाहता हूं वो ये बात है कि हमें जो मैट्रिक्स मेथड है उसमें जो सबसे ज्यादा जो काम पढ़ने वाला है वो दो कंसेप्ट का पढ़ने वाला है, और वो कंसेप्ट है हमारे स्टिफनेस और हमारा एक फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि मैथड्स का नाम ही ये है, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड और स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड। जिन बच्चों ने मुझसे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है उन बच्चों को स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब पता है। कल मैं आपको स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब वापस से समझाऊंगा, बट आज का ये जो वीडियो मैंने रखा है आप लोगों के लिए, ये रखा है इसलिए कि अगर आप लोग कल मेरे साथ साथ अच्छे से समझना चाहते हैं, तो दोस्तों एक काम जरूर जो आपको करना है वो ये है कि आपको जो नीचे लिखे हुए जो स्लोप और डिफ्लेक्शंस हैं, इनकी वैल्यूज आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अगर कल जो मैं मैट्रिक्स मेथड आप लोगों के लिए चालू करने वाला हूँ वो, उसे अगर आप बहुत ही आसानी से समझना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स आपको नीचे लिखे हुए स्लोप और डिफ्लेक्शंस की जो वैल्यूज है वो पता होना चाहिए। तो मैंने ये सारी वैल्यूज ऑलरेडी लिख रखी है, ठीक है, ताकि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इन्हें देखना रहे। अगर मैं लिखता तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा चले जाता, बट व्हाट आई डिड, आई रोट इट ऑलरेडी हियर। सो जैसे कि अगर आपके पास एक पहला, अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट, तो इसमें आप लोगों को क्या दिख रहा होगा, एक कैंटिलीवर बीम दिख रही है जिसके एंड पे एक मोमेंट एम लगा हुआ है, ठीक है, लेंथ एल है। तो अगर देखा जाए तो ये जो बीम होगी ए हमारा फिक्स है, तो उसके कारण यहाँ पर किसी तरह का स्लोप और डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, और मेरा जो बीम होगा वो इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। डिफ्लेक्ट हो जाएगा तो मैंने यहाँ पर क्या करा, एक टेंजेंट डाला, तो मुझे यहाँ पर ये थीटा बी मिला, और यहाँ पर एक वर्टिकल डिफ्लेक्शन मुझे डेल्टा बी मिला, है ना, डेल्टा बी मिला। अब जैसे कि ये मोमेंट एम के कारण यहाँ पर इस तरीके का डिफ्लेक्शन और रोटेशन आया है, तो उसके कारण थीटा बी की वैल्यू एम एल अपॉन में ई आए, और डेल्टा बी का जो वैल्यू होगा वो एम एल स्क्वायर अपॉन में 2 EI होगा। ये वैल्यूज आपको याद होना चाहिए अगर कल आप लोग चाहते हैं कि मैट्रिक्स एनालिसिस में आपको समझने में आसानी बनी रहे। बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो अभी सोम पढ़ते हुए आ रहे हैं, उन्हें ये सारी वैल्यूज पता होगी, तो ये आप समझ ही सकते हैं। ये जो हमारा सेशन है, ये जो शॉर्ट वीडियो में रख रहा हूँ, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ये सारी वैल्यूज भूल चुके हैं या जिन्हें ये वैल्यूज नहीं आती है। ओके, आई होप आप ये बात बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। उसी तरह से अगर मेरे पास एक और कैंटिलीवर बीम है, सेकेंड केस, उस पर अगर मेरा एक पॉइंट लोड पी किलो न्यूटन का लग रहा है, ठीक है, एल उसकी लेंथ है, तो वापस आप समझ सकते हैं कि ये यहां से जाके इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर वापस से डेल्टा बी, और यहाँ पर मुझे थीटा बी का वैल्यू निकालना है, जिसका वैल्यू पी एल स्क्वायर अपॉन में 2 EI स्लोप का वैल्यू, और डेल्टा बी का वैल्यू पी एल क्यूब अपॉन में 3 EI होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर आपके पास एक सिंपली सपोर्ट, एक आपके पास कैंटिलीवर बीम है जिसपे आपका यूडीएल लग रहा है, स्पान आपके पास एल है, यूडीएल का वैल्यू डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर है, तो थीटा बी का वैल्यू डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन में 6 EI, और डेल्टा बी का वैल्यू डब्ल्यू एल टू दावर 4 8 EI होगा, ठीक है। नीचे लिखी जो वैल्यू है इसमें आपको ये UVL दिख रहा है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, ये क्या है हमारा, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, ठीक है। इसका केस जनरली आपको देखने को नहीं मिलता है, बट मुझे लिखना था तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप जितना हो सके इसे याद रखिएगा, ठीक है। ये आपको, ये वैल्यूज आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल एनालिसिस नहीं बल्कि आपके सोम में भी बहुत ज्यादा मदद होगी, कि जिस एक तरीके के एग्जाम की हम लोग तैयारी कर रहे हैं अभी, उस वो सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड है ना, एमसीक्यू बेस्ड है, लेवल थोड़ा कम होता है HPCL का, तो
तो आप इन सारी वैल्यूज को भी याद रखेंगे एज अ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एमसीक्यूज भी आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट, है ना। इसका यूज मैट्रिक्स में तो होगा ही होगा, बट आप यहां पर भी समझ लीजिए। तो इस केस में अगर देखा जाए तो ये जो डिफ्लेक्ट होगा ये कुछ इस तरह से नीचे की तरफ ऐसा डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये बात अभी तक आप लोग समझ ही चुके हैं। यहाँ पर इसे हम लोग लिख सकते हैं ये अपना थीटा भी हो जाएगा और ये डेल्टा भी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये थीटा भी और डेल्टा भी की वैल्यू आपको दिख रही होगी, बहुत ही आसान है, आप इसे याद रख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू, तो आप इसे याद रखेंगे, है ना। IMPA ये याद होना आपको जरूरी है, इसे याद रखोगे आपको बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। तो क्या है ये, एक आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके सेंटर पे आपको मैंने W किलोन्यूटन का लोड लगा के दे रखा है L/2 पे। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर जो डेल्टा आएगा इट विल बी द मैक्सिमम, इसे हम लोग बोलेंगे डेल्टा मैक्स, है ना। यहाँ पर जो दोनों रोटेशन होंगे थीटा ए और थीटा बी, जिसका वैल्यू होगा PL² / 16 EI, और यहाँ पर जो डेल्टा होगा उसका वैल्यू होगा PL³/48 EI। बहुत ही आसान वैल्यू है, आपको याद रखना पड़ेगा, ये एग्जाम में आता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा आपको। इसी तरह से नीचे लिखा वैल्यू भी आपके लिए बहुत IMP है, अभी तक मैंने किसी वैल्यू पे IMP नहीं लिखा, बट इन दोनों पे मैं लिख रहा हूँ क्योंकि ये आपको मैट्रिक्स में पूछा जाएगा। UDL लगा हुआ है, यहाँ पर भी L/2 पे आपको डेल्टा मिल जाएगा मैक्सिमम, थीटा ए थीटा बी मिल जाएगा सपोज पे, है ना। थीटा ए थीटा बी की वैल्यू WL³/24 EI, और उसी तरह से यहाँ पर जो वैल्यू होगी ये 5/384 WL³/4 EI होगा, ठीक है। आप इसे भी याद रख सकते हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एग्जाम में, IMP करके लिख लीजिए आप इसे। अगर आपने यहाँ पर सपोर्ट पे लगाया, ठीक है, आपने मोमेंट लगा रखा है, यहाँ पर भी मोमेंट लगा रखा है, तो थीटा ए थीटा बी की वैल्यू ML/2 EI और डेल्टा का वैल्यू ML² / 8 EI होगा, ठीक है। ये वाला वैल्यू भी आप याद रखेंगे, है ना। भले ही आपको इसमें डेल्टा का काम पड़े ना पड़े, बट इसमें आपको थीटा का काम बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। इट इज ऑल्सो अनदर IMP, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अगर एक एंड पे मैंने मोमेंट एम लगा रखा है तो उसके कारण यहाँ पर थीटा कितना आएगा और उसी के कारण यहाँ पर थीटा कितना आएगा। जो मेरा डेल्टा मैक्स होगा इट विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ L/√3 फ्रॉम द सपोर्ट वेयर मोमेंट इज नॉट अप्लाइड, ओके, ये बात क्लियर हुई। तो इसके थीटा ए थीटा बी की वैल्यू और डेल्टा की वैल्यू आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। आई होप आप लोग ये वीडियो को देखते देखते इन सारी वैल्यूज को कॉपी में नोट डाउन कर रहे होंगे। उसी तरह से नाइन्थ वैल्यू, इट इज वन ऑफ द अगेन IMP, है ना, याद रखेंगे आप लोग। यहाँ पर आपको डिफ्लेक्शन का वैल्यू याद रखना है क्योंकि थीटा ए और थीटा बी आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा आपको ये, क्योंकि ये फिक्स सपोर्ट है, तो थीटा ए थीटा बी नहीं आएगा दोनों केसेस में, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया आप लोगों को। देख लीजिए यहाँ पर WL³/192 EI और उसी तरह से WL⁴/584 EI, ये चीज हो गई, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होगी। यहाँ पर बताइए आप लोग, ओके, तो बहुत ही आसान सा वैल्यूज था यहाँ पर सारा, है ना, आप आसानी से ये सारी चीजें समझ गए होंगे। देखिए स्टिफनेस का जो कंसेप्ट होता है वहां पर आपको इसका जरूरत पड़ेगा, इसलिए मैंने आप लोगों को ये चीजें समझाने की कोशिश करी, वो भी अभी से, कि एक बार आप लोगों ने ये चीजें समझ ली तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगा, ठीक है। तो आई होप सारे स्टूडेंट्स को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी पार्ट अभी तक यहाँ पर बचा नहीं है जो मैं आपको बताऊं, मेरे सारे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो स्लोप और डिफ्लेक्शन है उन्हें यहाँ पर कवर कर लिया है। सो दोस्तों तैयार रहिए, कल 2:30 बजे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कल का जो हमारा क्लास रहेगा, इट विल बी 2:30 PM और कल का जो डेट है वो हमारा है 7th of May, ओके स्टूडेंट्स। तो आप लोग तैयार रहिए 7th of May के लिए, 2:30 PM के लिए। एक और मेरा क्लास रहता है 10:30 AM पर, बट इसमें मैं क्या करता हूँ, आप लोगों के लिए जो RCC है, RCC में पूरा पढ़ा चुका हूँ लीड गेट पे, इसके मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, MCQ सॉल्व कराता हूँ। MCQ सॉल्व करने का जो तरीका रहता है वो सिर्फ आंसर बताता नहीं हूँ मैं, वो आंसर के लिए जो कंसेप्ट इन्वॉल्व है उसे हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो बेसिकली सीरीज का नाम है कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस, ओके। सो दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो के लिंक पे मेरा अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जो प्रोफाइल है वो भी मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे आप फॉलो करने के बाद मुझे डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, मैसेजेस भी कर सकते हैं। दोस्तों अभी बहुत ही ज्यादा टफ टाइम चल रहा है,
जितना हो सके उतना घर पे रहिए, अपनी प्रिपरेशन को तैयारी रखिए, क्योंकि जैसे ही केसेस कम होंगे हमारे जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम के और पीएसयूज के हमारे एग्जाम्स पेंडिंग है वो सारे लाइन टू लाइन वाइज कंडक्ट करा दिए जाएंगे। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए आप प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का भी मदद ले सकते हैं। प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने का बहुत ज्यादा फायदा है क्योंकि बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड टीम इंडिया के जो टॉप मोस्ट एजुकेटर्स हैं वो आप लोगों को प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे क्या करते हैं, गाइड करते हैं। और सभी और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ आप लोगों को क्या मिलता है, पर्सनलाइज गाइडेंस भी मिलता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है जो आपको सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे ही मिलता है। ओके, ध्यान रखेंगे प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप जिस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं उस कोड का नाम है Ashwin10। इस कोड का इस्तेमाल करते से ही आपको क्या होगा, 10% ऑफ मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये ऑफ आपको सिर्फ और सिर्फ प्लस नहीं बल्कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की फीस पे भी मिलेगा। तो अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने में भी इंटरेस्टेड है तो आप Ashwin10 कोड का इस्तेमाल करिए, इस कोड के कारण आपको अगेन 10% ऑफ मिलेगा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए। ओके दोस्तों, तो मैं अश्विन शुक्ला इस वीडियो को यहीं पर फिनिश कर रहा हूं। आई होप आपको सारे स्लोप और डिफ्लेक्शन का वैल्यू समझ में आ गया होगा। मिलते हैं कल 10:30 बजे और फिर 2:30 बजे। ओके, जब तक के लिए ध्यान रखिए, टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय बाय।